अमेठी में एसएसएमजी बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पेय पदार्थ के लिए करीब 900 करोड़ रुपए का अत्याधुनिक ऑटोमेटिक संयंत्र स्थापना के लिए त्रिसुंडी में प्लांट लगा रही है। प्लांट की स्थापना से 900 लोगों को परोक्ष रूप से और 15,000 लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिल सकेगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्लांट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी, अमेठी के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव सहित कई बीजेपी नेता और स्थानीय विधायक शामिल हुए। जो यहां की आवश्यकताएं थी 2017 के पहले, ये सब सपने हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में निवेश होगा, ये लोगों के लिए कल्पना थी। लेकिन 2017 में डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में अपनी एक पहचान बना रहा है। कितना परिवर्तन होता है, जब हम लोगों ने पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित करने का निर्णय लिया था फरवरी 2018 में, उस समय हमारी जो टीम थी उसने प्रदेश के अंदर निवेश का कुल जो लक्ष्य रखा था वह मात्र 20,000 करोड़ रुपए का रखा था। तो मैं उन पर एक बार नाराज हुआ था, मैंने कहा भी इतने बड़ी आबादी का राज्य और केवल 20,000 करोड़ की आप निवेश की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कौन यूपी में आएगा निवेश करने के लिए। मैंने कहा भी यूपी के बारे में क्या इतनी खराब धारणा है, और क्या एक वर्ष सरकार होने के बाद भी हम इस धारणा को बदल नहीं पा रहे हैं। तो कहा साहब बहुत है 20,000 करोड़। मैंने कहा भी नहीं, लोअर लिमिट इसकी 2,00,000 करोड़ करो। तो वे हंसने लग गए थे, वे हंसे थे कि 2,00,000 करोड़ का निवेश कौन करेगा, कहां से आएगा। और सचमुच जब हम लोग देश के अंदर अलग 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 स्थानों पर गए, लोगों से बातचीत शुरू हुई, तो हर एक जगह से यही बात कही जाती थी कि हम लोग तो बहुत निराश होकर के उत्तर प्रदेश से निकले हैं, हम दोबारा आना नहीं चाहते, लेकिन इधर हमने सुना है कि कुछ काफी सुधार हो रहा है और हम भी सुधार का हिस्सा बनना चाहते हैं।